तो अभी हम आए हैं लंदन में, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ लंदन के शेर हैं, और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे छला के लपता फिरे शूट हुई थी। तो भाई अभी हम हैं गुजरात में, मेरे साथ ग्यास भाई हैं, सरगोधा से आए हैं। क्या हाल है? स्पेशल वीडियो ठीक है, कैसे हैं? तो ग्यास भाई आए हैं, ठीक है। तो अब आज है चैलेंज ये है कि हम गुजरात का स्ट्रीट फूड रिव्यू करेंगे। मुझे दोस्त ने बोला था कि ये वीडियो बना लो, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। खाने पीने की चीज़ और हम ने ये कैसे हो सकता है, और मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, और अपने पेड़ का भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि मतलब ज़्यादा ओवर ना हो जाए। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ, और जो ना कवर हो सकी मैं एंड पे आपको बता दूंगा कि मतलब ये फेमस है, ये आप ट्राई कर सकते हो। बात हम अपनी पहली लोकेशन पे आ गए, ये मदीना बाज़ार में है सूफी नान कबाब, और अगर आपने नान कबाब ट्राई करना गुजरात में तो इट्स द बेस्ट प्लेस। हम पहले आपको इसके शशके दिखाते हैं कि नान कबाब के क्या शशके हैं। ये मुन्ना जी आपको बताएंगे कैसे है नान कबाब, कैसे है ये मैं आपको पहले खा लूँ उसके बाद में आपको। मज़े का मज़े का, कितना मज़े का, बहुत मज़े का भाई। जिसने भी खाना ना इधर आए सूफी नान कबाब दी बेस्ट शॉप। ग्यास भाई आप बताएं कैसा है? सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये तीन वर्ड। तो अभी हमारे अपनी सेकंड लोकेशन पे अलकरम फ्रूट चाट, ये एलीट अकेडमी के पास है फौरा चौक के पास। तो दो साल भाई हम यहाँ पे खज्जल होते रहे, क्योंकि अकेडमी आते थे घंटे की ब्रेक होती थी और हम यहाँ पे ही होते थे। तो मैंने तो ये ट्राई किया हुआ है, समोसा बहुत बॉम है, और ये दोनों नहीं मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा समोसा। अगर आपने अच्छा समोसा खाना तो आप यहाँ पे हैं। ये दोनों फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ये भी, तो ये बताएंगे फिर आपका अपना रिव्यू। मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा समोसा है। कोई नहीं मज़ेदार, सही बताए ना, ऑनेस्ट ओपिनियन देना। नहीं नहीं मैं जान रहा हूँ, लेकिन जो असली टेस्ट था ना वो नहीं आया, लेकिन मज़े का आया था। तो हम अपनी थर्ड लोकेशन पे हैं, ये तारिक सोडे वाली दुकान है फुहारा चौक के पास। तो भाई इनका सोडा भी बहुत अच्छा है, अकेडमी के दिनों में हम इनके पास आते थे, और मैंने काफ़ी सोडे वाली दुकान ट्राई की है, इससे अच्छा सोडा नहीं है। सोडे का टेस्ट तो मोस्टली सेम है, पर बारीकी से पता चलता है कि टेस्ट मतलब किसका अच्छा किसका नहीं। तो इनका सोडा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ये मुनीब साहब पी रहे हैं। सुनाओ जी भाजी, ठीक हो? ठीक ठाक। ये ग्यास भाई है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, अमेजिंग ग्यास, बहुत अच्छा सोडा है जी। जिमें भाजी असी आम शेक दें पी नहीं रहे, जिमें केले का शेक, आम का शेक, उस बाद स्ट्रॉबेरी, आहा चाचा का माहौल बड़ा रौला जी। तो भाई खा पी लिया है, अभी तीन चीज़ें खाई हैं और पेट फुल हो गया है, थोड़ा गुंजाइश होगी, मतलब पार्क में बैठे हैं थोड़ी गुंजाइश होती है, तो फिर आगे हम जाएंगे गोलगप्पे ट्राई करने, शाही गोलगप्पे, ठीक है। और बाकी हम यार पार्क में बैठे हैं, ये देखें फुल बंदा यहाँ पे जो कुछ खा रहा है बंदा है। तो भाई अपना कम अज़ कम जो आप खुद खा रहे हो ना वो ले जाओ यहाँ पर, डस्टबिन साइड पर लगी है, वहाँ पर बंदा फेंक दे, कितना टाइम लगता है। आप करोगे तो आपसे इंस्पायर होगे, कोई और भी करेगा, थोड़ा ध्यान करें। अभी हम आए हैं अंदरून शहर गुजरात टक्की से दूध पीने, और आपको बताएंगे कैसा था दूध टक्की का। अभी आता है दूध, दूध बन रहा है, उसके आप सिनेमैटिक्स चेक करें कि कैसे बनता है, फिर आपको बताते हैं कि दूध कैसा था। Imagine in my dream, now you won't be there.
तो बहुत अच्छा है, सबको पता है गुजरात की जो टकी है उसका मशहूर है, उसका दूध जो है ना वो तो लाजवाब है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता है। मैंने खुद फर्स्ट टाइम पिया और ये बहुत कमाल का दूध है, काफ़ी सुना था इस दूध के बारे में, जलालपुर से मिलता है टक्की का दूध, पर ये वाला भाई इसका कोई अलग ही लेवल है। यार भाई आपको कैसा लगा दूध? यार कमाल है, मतलब इससे अच्छा दूध कहीं और नहीं है। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब पता झूठ नहीं बोलते? नहीं मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन ये जो अच्छा है इनसे बात लिखते हैं ऐसे। तो हम अपनी फिफ्थ एंड लास्ट लोकेशन पर आ गए हैं, ये कराची बिरयानी है कचहरी चौक में, और अगर गुजरात में बेस्ट बिरयानी है ना तो वही यहाँ से मिलती है। और पुरानी भी अभी हमें बैठने की जगह नहीं थी मिल रही, थोड़ा वेट करना पड़ा पर जगह मिली है, और एक ऊपर से भूख भी नहीं थी तो बच्चा आया था तो हमने फिर उसे ही बिरयानी खिला दिया। बाकी खैर चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गैस पर वापस आ रहे हैं ये मुन्ना जी, मुन्ना जी मेरे साथ अब घर वापस आएंगे। अच्छा तो हमारे पास काफ़ी और ज़्यादा लोकेशंस थी, जैसे शाही गोलगप्पे हो गए, शाही गोलगप्पे हो गए, वहाँ पे हम गए थे, वो दुकान बंद थी, चीफ बर्गर हो गया था, वो अब खा नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है पेट में और जाना भी है घर। अगर आपने नाश्ता करना है गुजरात से तो तलहा नाश्ता सेंटर बेस्ट है, फुहारा चौक में है। और एक और चीज़ है, अगर चिप्स वगैरह फ्राई डिश ट्राई करनी है तो दौलत खान की चिप्स है, वो रैंडमली घूम रहा होता है, मोस्टली मैंने तो जब देखा है उसे जेल चौक वगैरह वाली साइड पे देखा है, शादमान जूनी जेल चौक वहाँ पे देखा है, तो दौलत खान की चिप्स पूरे गुजरात में मशहूर है। कि जो मेरे से हुआ मैंने दिखा दिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।